सेक्शन ई केस स्टडी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 37। अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिसर्च एयर टर्बुलेंस हैज इंक्रीज्ड इन वेरियस रीजन्स। एयर टर्बुलेंस मतलब कि एयर का फ्लक्चुएट करना, उसकी स्पीड का फ्लक्चुएट करना। इंक्रीज्ड इन वेरियस रीजन्स, बहुत सारे एरियाज में क्लाइमेट चेंज की वजह से एयर टर्बुलेंस बढ़ गया है। टर्बुलेंस मेक्स फ्लाइट बम्पी एंड ऑफन डिलेज द फ्लाइट। जो टर्बुलेंस है वो फ्लाइट को बम्पी मीन्स ऊपर नीचे पुश करता है, एंड इसकी वजह से क्या होता है कि फ्लाइट जनरली डिलेड हो जाती है, मतलब लेट हो जाती है। अज्यूम दैट एयरप्लेन ऑब्जर्व्स सीवियर टर्बुलेंस, मॉडरेट टर्बुलेंस एंड लाइट टर्बुलेंस। अब तीन तरीके से टर्बुलेंस को उन्होंने डिफाइन करा है। सीवियर टर्बुलेंस मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है एयर का, मॉडरेट टर्बुलेंस मतलब मीडियम है, एंड लाइट टर्बुलेंस मतलब बहुत कम टर्बुलेंस है। विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज, इक्वल प्रोबेबिलिटीज मतलब सीवियर टर्बुलेंस, मॉडरेट टर्बुलेंस और लाइट टर्बुलेंस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो तीनों की इक्वल है, इक्वल चांसेस हैं तीनों के आने के। फर्दर द चांस ऑफ एयर एरोप्लेन रीचिंग लेट टू द डेस्टिनेशन, कि एरोप्लेन जो है वो डेस्टिनेशन पर लेट पहुंचेगा सीवियर टर्बुलेंस की वजह से 55% प्रोबेबिलिटी, मॉडरेट टर्बुलेंस की वजह से 37% एंड 17% ड्यू टू लाइट टर्बुलेंस। अब हम यहां कुछ केस मानते हैं। लेट ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ एरोप्लेन reaching its destination कि वो अपनी डेस्टिनेशन पर लेट पहुंचेगा, इस इवेंट को हमने नाम दिया ए। नाउ इवन हमने मान लिया, इवन डिनोट्स द इवेंट ऑफ हैविंग सीवियर टर्बुलेंस, कि सीवियर टर्बुलेंस है आपका, एंड ई टू हमने इवेंट मान लिया किसका, मॉडरेट टर्बुलेंस का, सभी को नाम देना पड़ेगा। ई थ्री इवेंट हमने मान लिया कि लाइट टर्बुलेंस होगा। अब उसने कहा था कि तीनों टर्बुलेंस के जो आने की प्रोबेबिलिटी है कि विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज, तीनों के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। यानी कि जरा देखिए, तीन केसेस हैं टोटल, आप ऐसा मान लो कि तीन बॉल हैं, उनमें से एक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/3। तीन तरह के टर्बुलेंस हैं, उनमें से एक टर्बुलेंस आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। हमारे पास पी ए बाई ई वन, देखिए फ्लाइट लेट, ए मतलब है कि फ्लाइट का लेट होना, जो एरोप्लेन है वो लेट हो चुका है और इवन पहले हो चुका है, यानी कि सीवियर टर्बुलेंस आया था, सीवियर टर्बुलेंस आया था इसकी वजह से फ्लाइट लेट हुई है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 55% या फिर 55/100। पी ए बाई ई टू यानी कि मॉडरेट टर्बुलेंस आया था और उसकी वजह से एरोप्लेन लेट हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 37%। पी ए बाई ई थ्री यानी कि लाइट टर्बुलेंस आया था, उसकी वजह से फ्लाइट लेट हुई है 17/100। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर क्वेश्चंस को आंसर करना है। फर्स्ट वन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एरोप्लेन रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन लेट, यानी पी ए निकालना है। पी ए प्रोबेबिलिटी दैट एरोप्लेन रीचेस इट्स डेस्टिनेशन लेट बाई लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, P
पी ए आपके पास इक्वल होगा पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू प्लस पी ई थ्री इंटू पी ए बाई ई थ्री दिस बाई लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। पी ई वन है 1/3, ये है आपका 55/100, दिस इज 55/100, ये है 1/3 एंड 37/100 प्लस 1/3 इंटू 17/100। आप चेक करो तो एलसीएम तो सभी का सेम आ गया 300, 55 प्लस 37 प्लस 17, तो इसको ऐड अप करेंगे, दिस इज ये हो गया 12 और 7 19 यानी 1 कैरी, 5 और 3 8 और 1 9 और 110, 109 ओवर 300, ये उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। सेकंड वन, इफ द एरोप्लेन रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन लेट, प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्यू टू मॉडरेट टर्बुलेंस, यानी मॉडरेट टर्बुलेंस यानी E2। तो सेकंड वाले पार्ट में वो हमसे कह रहा है आप बता दीजिए प्रोबेबिलिटी कि एरोप्लेन लेट है, ये तो हो चुका है कि एरोप्लेन लेट है, लेकिन वो हुआ किसकी वजह से है, मॉडरेट टर्बुलेंस यानी कि E2 की वजह से। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है PE2/A कि एरोप्लेन लेट है ये हो चुका है, वो मॉडरेट टर्बुलेंस की वजह से ए लेट हुआ है ये बताना है। तो हम यहां आप लिखेंगे, इसको आप डिफाइन कर सकते हो प्रोबेबिलिटी दैट एरोप्लेन इज लेट ड्यू टू मॉडरेट टर्बुलेंस, कि मॉडरेट टर्बुलेंस की वजह से एरोप्लेन लेट हुआ है ये हमें बताना है। अब इसको निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बाय बेज थ्योरम, बेज थ्योरम से हम इसे निकालेंगे, बेज थ्योरम। PE2/A किसके इक्वल होगा, ये होता है आपका PE2 इंटू PA/E2 अपॉन में PE1 PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। अब ये सभी की वैल्यूज आप रखोगे, देखो इस टर्म को तो ना हमने अभी सॉल्व किया है और इसकी वैल्यू आई थी 109/300, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो PE2 आ गया 1/3 और PA/E2 है 37/100, ये है 109/300 यानी ये 37/300 और ये 109/300 ये कैंसिल हो गया, सो 37/109 कि जो फ्लाइट है वो लेट है एंड वो मॉडरेट टर्बुलेंस की वजह से लेट हुई है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 37/109।